वेलकम टू आई बी मैजिक मंत्रा आज हम लोग ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस इस टॉपिक का एक सब कंटेंट देखने वाले हैं दैट इज ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व सो लेट्स बिगन कंटेंट शॉक्स ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व पता नहीं क्यों बच्चों को थोड़ा सा ये टॉपिक थोड़ा सा टफ जाता है तो इसको थोड़ा सा हम लोग सिंपल वे में समझने की कोशिश करते हैं ऑक्सीजन है सेल्स को, को हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है हर सेल्स को ऑक्सीजन की जरूरत होती है यह ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से कहा आता है यह ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से आता है लंग्स में ठीक है सो so, लंग्स में लंग्स में से यह ऑक्सीजन सेल्स की तरफ ट्रांसपोर्ट किया जाता है है ना लंग से ही ऑक्सीजन सेल्स की तरफ क्या किया जाता है ट्रांसपोर्ट किया जाता है और ये ट्रांसपोर्ट के लिए कौन काम करता है ब्लड है ना ये ट्रांसपोर्ट के लिए कौन काम करता है ब्लड काम करता है ठीक है सो अगर हम लोग ब्लड की बात करते हैं तो ब्लड में जो हिमोग्लोबिन है बेटा ये हिमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा ठीक है एंड इट फॉर्म्स ऑक्सी ऑक्सीमोग्लोबिन इसको आप लोग बोलते हो बेटा ऑक्सी ऑक्सीमोग्लोबिन और ऑक्सी हिमोग्लोबिन फॉर्म होने के बाद ये ऑक्सी हिमोग्लोबिन कहां तक आएगा सेल्स तक आएगा ऑक्सीमोग्लोबिन कहां तक आएगा सेल्स तक आएगा फॉर्मेशन या जिसको बोलते बेटा एसोसिएशन क्या बोलते हैं यहां पे हम लोग इसको एसोसिएशन सो एसोसिएशन किसका हिमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन का एसोसिएशन किसका हिमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का कहा हो रहा है लंग्स पे हो रहा है कहा हो रहा है बेटा लंग्स पे हो रहा है तो लंग्स पे हिमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का एसोसिएशन हो रहा है जहां पर वन हिमोग्लोबिन मॉलिक्यूल वन हिमोग्लोबिन मॉलिक्यूल बाइंड्स विथ फोर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एक हिमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को बाइंड होता है चार ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को बाइंड होता है ठीक है और उसके बाद ये हीमोग्लोबिन ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन यहां से यहां पे आएगा ट्रांसपोर्ट होगा दैट फॉर्म्स द ऑक्सी हीमोग्लोबिन यहां से यहां तक आए, तो ये ट्रांसपोर्ट होता है बेटा 97% ये एनसीईआरटी में दिया है इस पे डायरेक्ट सवाल पूछा जा सकता है कि हाउ मच अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड

थ्री परसेंट ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है बेटा ट्रांसपोर्ट होता है सो थ्री परसेंट ऑफ ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ दिजोल्व स्टेट एंड नाइन सेवन परसेंट ऑफ ऑक्सीजन इन द फॉर्म ऑफ दिमोग्लोबिन और ये जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है यहां पर यहां पर जो हमोग्लोबिन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हुआ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हुआ इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीमोग्लोबिन सो यहां पर क्या होता है दिस ऑक्सीजन गेट डिसोसिएट्स फ्रॉम हिमोग्लोबिन और इसको आप लोग बोलते हो बेटा डिसोसिएशन इसको आप लोग क्या बोलते हो बेटा डिसोसिएशन सो so, पर क्या हुआ है एसोसिएशन यही सारी चीजें हमें पढ़नी है डिसोसिएशन में ठीक है, so, पर क्या होता है बेटा नाउ दिस ऑक्सीजन गिवन टू द सेल है ना ये ऑक्सीजन सेल को दिया जाता है तो याद रखना ये चीज सेल्स पे क्या हो रहा है हिमोग्लोबिन ऑक्सीजन का डिसोसिएशन और लंग्स पे क्या हो रहा है हिमोग्लोबिन ऑक्सीजन का अब यहां पर एक बात है करेगा, और प्लाज्मा थ्री परसेंट कैरी करेगा प्लाज्मा में ऑक्सीजन कैसा है डिजोल्व है इसका मतलब देखो यह बहुत इंपॉर्टेंट एक और पॉइंट एनसीआर का जो एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है नीट में कि every, every हंड्रेड एम एल ऑफ ब्लड एवरी हंड्रेड एम एल ऑफ ब्लड कैरी कैरी ट्वेंटी एम एल ऑफ ऑक्सीजन कैरी ट्वेंटी एम एल ऑफ ऑक्सीजन बट बट डिलीवर्स बट डिलीवर्स ओनली ओनली फाइव एम एल ऑफ ऑक्सीजन ओनली फाइव एम एल ऑफ ऑक्सीजन बेटा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पर सवाल पूछा जा सकता है है ना ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पर सवाल पूछा जा सकता है ये NCRT का point है कि भाई लेकिन कितना करता है? करता है है सिर्फ 5 ml. और ये ये कब होगा ये होगा अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन इसको अच्छे से समझ लो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन अगर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन है तो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में ये होगा इसका मतलब क्या है इसको भी समझो अब इसको भी समझो अच्छे से ठीक है इसका मतलब क्या है बेटा कि कि जैसे सपोज मान लो कि ये तेरी आर्टरी है ठीक है सो दिस इज द आर्टरी फाइन दिस इज द आर्टरी ऑफ कोर्स है ना और ये है तेरी वेन ये क्या है बेटा तेरी वेन ठीक है सो दिस इज वेन ये वेन है ठीक है So, यहां पे बीच में क्या है बेटा पूरा बीच में कैपिलरी है ठीक है और इस कैपिलरी के सराउंडिंग में इस कैपिलरी के सराउंडिंग में है सेल्स ठीक है बेटा ये कैपिलरी के सराउंडिंग में क्या है सपोज ये सेल्स है ठीक है अब ठीक से समझने की कोशिश करो कि अगर हम लोग एवरी हंड्रेड एम ऑफ ब्लड की बात करते हैं हंड्रेड एम ऑफ ब्लड एवरी हंड्रेड एम ऑफ ब्लड तो ऑब्वियसली अगर ये आर्ट्री है तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो मतलब क्या

मतलब डिऑक्सीजनेटेड ब्लड में भी डी ब्लड में भी एवरी हंड्रेड एम एल ऑफ ब्लड डिऑक्सीजेटेड ब्लड की बात कर रहा हूं मैं डी ब्लड की बात कर रहा हूं कि एवरी हंड्रेड एम एल ऑफ ब्लड हैविंग फिफ्टीन एम एल ऑफ ऑक्सीजन है ना क्योंकि इसके पास 20 था 20 में से इसने कितना दिया पांच दिया तो इसका मतलब है कि डिऑक्सीजनेटेड ब्लड में अभी भी अभी भी एवरी हंड्रेड एम ऑफ ब्लड में पंद्रह एम ऑफ ऑक्सीजन है यह कंडीशन होगी बेटा नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन है ना नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन अगर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन है आप बोलोगे सर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन क्या है नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन मतलब अभी जैसे आप बैठकर मेरा वीडियो देख रहे हो कुछ नहीं कर रहे हो बस वीडियो देख रहे हो इसको नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन बोलते हैं क्या बोलते बेटा इसको नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन अगर यही चीज यही चीज अगर आप लोग माइल्ड एक्सरसाइज कर रहे हो ठीक है देखो बेटा ठीक से समझने की कोशिश करो ठीक से समझने की कोशिश करो ये आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है क्या है बेटा ये आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड ठीक है उसके बाद आगे निकल आई तेरी कैपिलरी आगे निकल आई तेरी कैपिलरी और ये गया तेरा डिऑक्सीजनेटेड ब्लड

कारण सेल्सला ऑक्सिजनची डिमांड जास्त आहे ठीक आहे कारण तुम्ही जेव्हा माइल्ड एक्सरसाइज करायला याचा अर्थ बॉडी काहीतरी बॉडीमध्ये मेटाबॉलिक ऍक्टिव्हिटी वाढली आहे बॉडीनं काहीतरी एनर्जी गेन एनर्जी कन्झ्युम केली आहे किंवा बॉडीला एनर्जीची गरज आहे मग बॉडी काय करते एनर्जी यूज तयार करते एटीपीच्या फॉर्ममध्ये पण ती एनर्जी तयार करत असताना सोबत काय बनवते सीओ टू बनवते ठीक आहे आणि आपल्याला माहिती आहे की सीओ टू हे hey, सगळ्यात जास्त एफिनिटी कोणाची असते ची नंतर सीओ टू ची आणि नंतर ओ टू ची ठीक आहे कोणासाठी हिमोग्लोबिनच्या साठी हे ना बेटा हे लक्षात ठेवा हे महत्वाचा पॉईंट आहे हिमोग्लोबिनच्या साठी सगळ्यात जास्त ऍफिनिटी हिमोग्लोबिनच्या साठी सगळ्यात जास्त एफिनिटी कोणाची असते ची असते त्याच्यानंतर सीओ टू ची त्याच्यानंतर ओ टू ची मग सेल काय करायला जेव्हा तुम्ही माइल्ड एक्सरसाइज करायलात तेव्हा सेल्स एनर्जी बनवायलेत आणि सेल्स एनर्जी बनवत असताना च्या फॉर्म मध्ये एनर्जी बनवत असताना सेल्स काय बनवायलात बेटा सीओ टू बनवायलात मग या ठिकाणी ची एफिनिटी ओ टू पेक्षा जास्त आहे मग या ठिकाणी हिमोग्लोबिन ओ टू ला सोडून देतं कोणाला पकडतं ला का कारण सीओ टू वाढलाय सीओ टू का वाड़ला कारण तुम्हें माइल्ड एक्सरसाइज कर रहे मतलब क्या कर रहे हैं माइल्ड एक्सरसाइज कर रहे मतलब आपका सीओ टू का कंटेंट बढ़ रहा है है ना माइल्ड एक्सरसाइज कर रहे मतलब क्या कर रहे बेटा सीओ टू का कंटेंट बढ़ रहा है सीओ टू का कंटेंट क्यों बढ़ रहा है सीओ टू का कंटेंट क्यों बढ़ रहा है क्योंकि आप लोग यहां पे माइल्ड एक्सरसाइज कर रहे हो एनर्जी बन रहा है तो सीओ टू का कंटेंट बढ़ेगा ठीक है so सो यहां पे सीओ टू का कंटेंट बढ़ेगा और सीओ टू की ज्यादा है सीओ टू की ज्यादा है तो हिमोग्लोबिन ओ टू को छोड़ देगा किसको पकड़ेगा सीओ टू को पकड़ेगा तो यहां पर ओ टू ज्यादा निकलेगा बेटा बाहर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन से भी यहां पर ओ टू कैसा निकलेगा ज्यादा निकलेगा तो यहां पर ओ टू निकलता है लगभग टेन एम एल ओ टू कितना निकलता है लगभग 10 ml तो यहां पे आ, एवरी 100 ml ऑफ ब्लड में कितना ml ऑफ ऑक्सीजन होगा 10 ml ऑफ ऑक्सीजन होगा पर 100 ml ऑफ ब्लड ठीक है क्यों क्योंकि इसने ज्यादा ओ2 दे दिया है ना इसने ओ2 ज्यादा दे दिया है 10 ml दे दिया नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में कितना दिया था 5 ml दिया था यहां पे कितना दिया है 10 ml दिया है इसका मतलब उसके पास 20 में से यहां पर कितने हैं 15 मतलब 75% प्रतिशत है पिछहत्तर प्रतिशत ऑक्सीजन है और यहां पर कितना प्रतिशत ऑक्सीजन है पचास प्रतिशत क्योंकि उसके पास कितना था 20 ml था दिया 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 कितना 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 उसने 10 ml दिया. तो उसके पास कितना बचा 10 ml बचा इसका मतलब यहां पर कितना प्रतिशत वो अभी भी उसके पास ऑक्सीजन है पचास प्रतिशत अभी भी वो कैसा है सैचुरेट है ठीक है हम लोग क्या बोलते हैं बेटा अगर वन अगर एक एच बी चारू को बाइंड होता है ठीक से समझने की कोशिश करो एक एच बी चार ओ टू को बाइंड होता है अगर आपने अगर आपने तीन ओ टू दिए तीन ओ टू है उसके पास तो वो कितना प्रतिशत सैचुरेट है पिचहत्तर प्रतिशत है अगर उसके पास चार ओटू है तो वो हंड्रेड प्रतिशत सैच्यट है अगर उसके पास दो ओटू है तो वो पचास प्रतिशत सैच्यट है और अगर उसके पास एक ओटू है तो वो पच्चीस प्रतिशत सैच्यट है ठीक है तो यहां पे क्या हो रहा है बेटा ठीक से समझने की कोशिश करो यहां पर एवरी हंड्रेड एमएल ऑफ ब्लड ट्वेंटी एमएल ऑफ ऑक्सीजन कैरी कर रहा है ठीक कर है, एवरी हंड्रेड एम एल ऑफ ब्लड ऑक्सीजन कैरी हुए हो, कुछ नहीं कर रहे हो तो यहां पर क्या देगा दे 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 तो अगर ये पांच एम एल दे रहा है मतलब 20 में से पांच दे रहा है मतलब 25 परसेंट दे रहा है अभी भी उसके पास कितना है 75 परसेंट है इसका मतलब अभी भी हीमोग्लोबिन 75 परसेंट सैचुरेट है है ना अब यहां पर कंडीशन अलग है अगर आप माइल्ड एक्सरसाइज कर रहे हो ठीक है अगर आप माइल्ड एक्सरसाइज कर रहे हो तो क्या होता है बेटा कि माइल्ड एक्सरसाइज में ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा होती है क्योंकि बॉडी एनर्जी ज्यादा बना रही है बॉडी चूंकि एनर्जी ज्यादा बना रही है तो सीओ टू ज्यादा निकलेगा सीओ टू ज्यादा निकलेगा तो हिमोग्लोबिन से ऑक्सीजन से ज्यादा है किसकी तरफ हिमोग्लोबिन की तरफ तो यहां पर हिमोग्लोबिन ओ को ज्यादा छोड़ देगा और किसको पकड़ेगा सीओ को पकड़ेगा तो ओ कितना छोड़ रहा है दस एम छोड़ रहा है तो अगर 20 ml से उसने 10 ml दे दिया तो उसके पास कितना है अभी भी 10 ml है है ना बीस में से दस दिया दस है इसका मतलब कितना प्रतिशत है पचास प्रतिशत है याद रखना ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है ये डिसोसिएशन में अभी आपको समझाऊंगा अब यही वाली चीज अगर आप लोग स्टर्नस एक्सरसाइज कर रहे हो है ना मतलब ट्रेडमिल पे बहुत जोर से दौड़ रहे हो पसीना पसीना हो गया तो उस वक्त बॉडी में एनर्जी की रिक्वायरमेंट और ज्यादा होगी बॉडी uh, और ज्यादा सीओ टू बनाएगा ठीक है तो हीमोग्लोबिन और ज्यादा ऑक्सीजन दे देगा तो स्टर्नस एक्सरसाइज अगर आप लोग कर कर रहे हो कर रहे हो हो, बेटा, है है? ना? या एक्सरसाइज ठीक अगर आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हो तो है ना ये जो ब्लड है ये ब्लड पंद्रह एमएल ऑक्सीजन दे एक्सरसाइज या विगरस एक्सरसाइज में है ना अगर आप लोग विग्रस एक्सरसाइज कर रहे हो या स्टर्नस एक्सरसाइज कर रहे हो तो 20 एम में से 15 एम दे देगा और उसके पास कितना बचेगा पांच एम बचेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ठीक है इसका मतलब कितना प्रतिशत सैचुरेट है पच्चीस प्रतिशत है, so, इसी यही हमें ग्राफिकल फॉर्म में देखनी है बेटा यही चीज हमें क्या देखनी है ग्राफिकल फॉर्म में देखनी है कि भाई ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ले लिया आपने पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है ना पार्शियल प्रेशर मतलब द प्रेशर एक्सर्टेड बाय इंडिविजुअल गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस है ना मतलब एटमोस्फेयर में सपोज मान लो कि बहुत सारे गैसेस है वो बहुत सारे गैसेस ने एक प्रेशर एक्सर्ट किया है 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 ना 760 mm of mercury. इतना किया लेकिन ये ये प्रेशर जो है, ये जो बहुत इंडिविजुअल गैस का कंट्रीब्यूशन तो कितना है जैसे ऑक्सीजन का इंडिविजुअल प्रेशर कितना होता है 159 फिफ्टी नाइन ऑफ मर्क्यूरी सो दैट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इसका मतलब क्या है कि बहुत सारे लोगों का मिलकर

उसको आप लोग बोलते हो बेटा पार्शियल प्रेशर तो ये चीज आपको समझ में आ गई बेटा कि ब्लड कैरी करता है 20 ml, लेकिन अकॉर्डिंग टू कंडीशन वो ऑक्सीजन को डिलीवर करता है ठीक है अगर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन है तो 20 में से कितना देगा पांच देगा अगर माइल्ड एक्सरसाइज कर रहे हो नॉर्मल एक्सरसाइज कर रहे हो तो 20 में से कितना देगा दस दे देगा लेकिन अगर आप लोग विग्रस एक्सरसाइज कर रहे हो तो 20 में से 15 तक दे देता है ठीक है सो डिऑक्सीजेड ब्लड में भी ऑक्सीजन होता है ठीक है अगर वो पांच दिए तो डिऑक्सीट ब्लड में कितना होगा? 15 होगा। रहा है ये ऑक्सीजन कैसे डिसोसिएट कर रहा है अलग अलग फिजियोलॉजिकल कंडीशन में वही आपको ग्राफ दिखाता है बेटा दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर है ना और इस तरह का ग्राफ ये तेरे NCRT में दिया हुआ है, ये तेरे NCRT का ग्राफ है बेटा ठीक so, है? ऑक्सीजन mm और वाई एक्सिस परसेंट सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन परसेंट हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन इसका मतलब क्या है यहां पर थोड़ा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं ठीक है देखो बेटा देखो सिंपल सी बात है जब ऑक्सीजन जैसे देखो जैसे जैसे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन बढ़ेगा ये तो सिंपल है है ना जितना ज्यादा ऑक्सीजन होगा उतना सैचुरेशन ज्यादा होगा ये तो सिंपल सी बात है ठीक है so, सो जैसे जैसे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, प्रेशर बढ़ेगा हिमोग्लोबिन का सैचुरेशन बढ़ जाएगा ऑक्सीजन के साथ ठीक है सो यहां पे आप लोग देखोगे कि यहां पर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का लगभग सौ है सो so, हम लोग देखते हैं बेटा लंग्स में लंग्स में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 104 सौ चार ऑफ मर्क्यूरी होता है आपको यह पता है जैसे एटमोसफेयर की बात करें तो एटमोस में वन फिफ्टी mm है लंग्स की बात करें तो लंग्स में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है 104 ऑफ सो लगभग लगभग नाइनटी एट परसेंट टू नाइनटी नाइन परसेंट आपका हिमोग्लोबिन सैचुरेट होता है बेटा ठीक है सो so, ये कंडीशन होती है लंग्स में

ये वैसे वैसे क्या होगा बेटा इसका डिसोसिएशन होता जाएगा ठीक है इसका क्या होगा डिसोसिएशन जैसे मान लो कि यहां पर सेवेंटी फाइव परसेंट है, है सत्तर होगा दिस इज और यहां पर लगभग ठीक है सो सेवेंटी फाइव परसेंट की अगर हम बात करते हैं तो सेवन परसेंट कब होगा बेटा सेवेंटी फाइव परसेंट सैचुरेशन सेवेंटी फाइव परसेंट सेचुरेशन होगा जब आपका जब आपका ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होगा फोर्टी है ना हमें पता है बेटा टिश्यू पे टिश्यू पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 40 होता है है ना टिशु पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना जबकि कार्बन लोग सेल्स की बात करते हैं जहां पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 40 है वहां पर परसेंट सैचुरेशन हीमोग्लोबिन कितना होगा बेटा 75 है ना ये देखो यहां पे होगा करीब तेरा 75 फाइव परसेंट है ना इतना यहां पे कहीं पे क्या होगा बेटा 75 फाइव परसेंट सो सेवेंटी फाइव परसेंट है 75 परसेंट सैचुरेशन है इसका मतलब क्या है कि उसने 25 प्रतिशत ऑक्सीजन दे दिया है मतलब 20 में से कितना दिया 20 में से दिया पांच है ना तो यह वाली कंडीशन या ये वाला पॉइंट क्या होगा बेटा ये वाला पॉइंट जैसा लंग्स है वैसे यह वाला पॉइंट क्या होगा यह वाला पॉइंट होगा नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन है ना ये वाला पॉइंट क्या होगा बेटा नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन दिस इज नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन So, ये वाला पॉइंट होगा नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन जहां पर जहां पर लंग्स के पास तो वो हंड्रेड था लगभग और लेकिन यहां पर कितना है पिचहत्तर प्रतिशत है ठीक है यहां पर कितना है बेटा पिचहत्तर प्रतिशत है इसका मतलब हीमोग्लोबिन को कितने ऑक्सीजन बाइंड है तीन एक दे दिया उसने मतलब 25 प्रतिशत दे दिया है 75 प्रतिशत अभी भी वो कैसा है सैचुरेट है ठीक है so सो ये कंडीशन कहां पे होगी नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन अब वैसे ही आप और थोड़ा सा नीचे आते हो है ना वैसे ही आप और थोड़ा सा नीचे आते हो मतलब यहां की अगर हम बात करते हैं ये वाला पॉइंट तो यहां पर तेरा हिमोग्लोबिन सैचुरेट है लगभग प्रतिशत ठीक है फिफ्टी परसेंट यहां पर हीमोग्लोबिन क्या है बेटा है so सो के लिए तेरा पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का आता है लगभग ट्वेंटी सेवन टू थर्टी ठीक है ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर क्या आता है बेटा

और नीचा हो मतलब ये देखो ये 25 प्रतिशत अगर हम लोग ये प्रतिशत तो तो लो की बात करते हो तो कम ऑक्सीजन प्रेशर से भी पार्शियल प्रेशर, प्रेशर हो रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है कि आप लोग कैसा एक्सरसाइज कर रहे हो विग्रस एक्सरसाइज कर रहे हो आप लोग क्या कर रहे हो बेटा विग्रस एक्सरसाइज आप लोग कम हो रहा है विग्रस एक्सरसाइज है ना अगर आप लोग विग्रस एक्सरसाइज करो इसका मतलब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बहुत कम हो रहा है सो so, उस वक्त उस वक्त ये लगभग लगभग 25 प्रतिशत क्या होता है सैचुरेट होता है ठीक है क्यों ऐसा क्यों क्योंकि उसने क्या किया है बेटा क्योंकि उसने 25 प्रतिशत सैचुरेट होता था क्यों क्योंकि उसने चार में से तीन ऑक्सीजन दे दिए हैं है ना और उसके पास चार में से कितना है सिर्फ एक आप लोगों को समझ में आ रहा है तो ये होता है बेटा विग्रस एक्सरसाइज के दौरान ठीक है सो so, ये है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व क्या है बेटा ये दिस इज द ऑक्सीजन डिसोसिएशन है ना किस तरह से ऑक्सीजन डिसोसिएट ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 40 हो गया है ये कब होगा टिश्यू के पास होगा कहां पे होगा टिश्यू के पास क्यों क्योंकि टिश्यू ऑक्सीजन का यूटिलाइज करते हैं कब जब नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन उससे आप थोड़ा सा नीचे आओ मतलब और डिसोसिएशन और

ठीक है ये समझ में आ गया बेटा कि ऑक्सीजन का डिसोसिएशन कैसे कैसे हो रहा है अलग अलग कंडीशन में ऑक्सीजन का डिसोसिएशन होता है है ठीक हम 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 लोग 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 क्या बोलते हैं हम लोग बोलते हैं हैं बेटा कि कि भाई कि भाई अगर ऑक्सीजन पा का पार्शियल प्रेशर लेते हैं और परसेंट सैचुरेशन ऑफ सैच्यमोग्लोबिन लेते हैं परसेंट सैचुरेशन ऑफ हिमोग्लोबिन तो भैया जैसे जैसे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बढ़ रहा है वैसे वैसे हिमोग्लोबिन का सैचुरेशन बढ़ना चाहिए तो आपका जो ग्राफ है वो ग्राफ ऐसा आना चाहिए लेकिन ग्राफ ऐसा नहीं होता क्यों नहीं होता क्योंकि जितना ऑक्सीजन आप डाल रहे हो उतना हीमोग्लोबिन सेचुरेट हो रहा है वो कब होता है जब आप लोग कोई इनविट्रो कंडीशन कंट्रोल्ड कंडीशन में एक्सपेरिमेंट कर रहे हो लेकिन ऐसा बॉडी में नहीं होता ठीक है जैसे मान लो कि मैंने मेरे पास दस हीमोग्लोबिन है जैसे मान लो मेरे पास दस हीमोग्लोबिन है तो अगर मैंने दस ऑक्सीजन दिए तो भैया ये सैचुरेट हो गया पच्चीस प्रतिशत अगर मैंने बीस ऑक्सीजन दिए तो ये सैचुरेट हो गया पचास प्रतिशत अगर मैंने तीस ऑक्सीजन दिए तो ये हो गया पिछहत्तर प्रतिशत सैचुरेट और अगर मैंने चालीस ऑक्सीजन दिए तो ये हो गया हंड्रेड प्रतिशत सैचुरेट ठीक है तो ऐसा कब होता है बेटा ये कि अगर ऐसी कंडीशन फॉलो हो रही है तो ग्राफ ऐसे आएगा कोई दिक्कत नहीं है लेकिन ऐसी कंडीशन फॉलो नहीं होती क्यों नहीं होती क्योंकि हमारी बॉडी में फेवरेबल कंडीशन नहीं है ऑक्सीजन प्रेजेंट है कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है पीएच कम है ज्यादा है कुछ भी है सो so, सारे फेवरेबल कंडीशन नहीं है इसलिए ग्राफ ऐसा स्ट्रेट लाइन नहीं आता ठीक है आप लोग समझ रहे हो मेरी बात को ठीक है ऐसा ग्राफ स्ट्रेट लाइन कब आएगा जब ये कंडीशन फॉलो होगी और ये कंडीशन कंडीशन फॉलो कब होगी अगर सारी फेवरेबल है आप कोई इन विट्रो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो है ना दस हीमोग्लोबिन लिए चालीस ऑक्सीजन लिए हाँ भाई हो जाओ बाइंड सब बाइंड हो जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है लेकिन हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड है हमारी बॉडी में कार्बन मोनॉक्साइड है हमारी बॉडी में पीएच है एच प्लस है बहुत सारे फैक्टर्स है जो उसको बाइंड होने नहीं देते इसीलिए ग्राफ

So, कैसे कैसे ऑक्सीजन का डिसोसिएशन हो रहा है आपको समझ में आ गया कोई दिक्कत नहीं है ठीक है इसको रफ कर दूं बेटा पूरा ही रफ हो गया चलो कोई नहीं सब अब देखो हमने क्या देखा चलो कोई बात नहीं हमने इस तरह से ग्राफ के देखा बेटा सो दिस इज नॉर्मल है कर क्या है बेटा ये नॉर्मल सिग्मोइड कर्व है ना ये नॉर्मल सिग्मोइड कर्व है अब देखो हां ठीक से समझने की कोशिश करो ठीक से समझने की कोशिश करो हम लोग क्या बोलते हैं बेटा दिस इज यहाँ पे क्या आएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे होगा परसेंट सैचुरेशन ऑफ एचबी है ना परसेंट सैचुरेशन ऑफ एचबी तो लगभग यहां पे लगभग यहां पे 100% सैचुरेट होगा ठीक है 100 नहीं होता 99 होता है और जब ये हंड्रेड होता है तब उस वक्त यहां पर कितना होता है बेटा यहां पर भी लगभग हंड्रेड होता है, ये 104 होता है भग, तो यहां है, है प्रेशर ऑक्सीजन का होता है बेटा चालीस कितना होता है चालीस और जब पचास प्रतिशत सेचुरेट होगा हीमोग्लोबिन तब ऑक्सीजन का पार्शल प्रेशर होता है लगभग लगभग तीस सत्ताईस से तीस होता है पचास प्रतिशत सैचुरेशन में ठीक है सो यहां पर हम लोग क्या बोलते बेटा हम लोग अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ने वाले अच्छे से समझने की कोशिश करो हम लोग एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ने वाले बेटा पी फिफ्टी का पी फिफ्टी ठीक है सो सबसे पहले समझो व्हाट इज पी फिफ्टी क्या होता है बेटा पी ऐसा ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है P50 एक्चुअल में है क्या P50 ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है P50 क्या है ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर सो so, ऐसा ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जिस पार्शियल प्रेशर पे 50 प्रतिशत हीमोग्लोबिन क्या होगा सेचुरेट होगा पचास प्रतिशत हीमोग्लोबिन क्या होगा बेटा सेचुरेट होगा ठीक है सो ऐसा ऐसा ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ऐसा ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जिस पार्शियल प्रेशर पे 50 प्रतिशत हिमोग्लोबिन सैचुरेट होता है सो so यहां पचास प्रतिशत हिमोग्लोबिन सैचुरेट होने के लिए ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर क्या चाहिए लगभग 30, लगभग 30. सो लगभग 30 ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है दैट इज दी फिफ्टी दैट इज द पी फिफ्टी क्या हो रहा है बेटा हंड्रेड पार्शियल प्रेशर पे हंड्रेड एम एम ऑफ एच है ना इज हंड्रेड एम एम ऑफ मर्क्यूरी सो हंड्रेड एम एम ऑफ मर्क्यूरी पे ऑक्सीजन का सैचुरेशन कितना हो रहा है लगभग हंड्रेड परसेंट है ना उसके बाद फोर्टी पे कितना पिछहत्तर प्रतिशत और लगभग सत्ताईस सो सत्ताइस या तीस पे कितना हो रहा है पचास प्रतिशत सो दिस इज दी फिफ्टी दिस इज पी फिफ्टी पी फिफ्टी क्या है बच्चे बोलते हैं पी फिफ्टी इज फिफ्टी परसेंट सैचुरेशन नो पी फिफ्टी इज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन फिफ्टी क्या है बेटा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ऐसा ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जिस पार्शियल प्रेशर पे 50 प्रतिशत हिमोग्लोबिन क्या हो रहा है सैचुरेट हो रहा है अगर आपको ये condition, ये ये कंडीशन पॉइंट समझ में आ गया तो इसी के साथ हम लोग एक और पॉइंट आपको बताऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई तेरा जो पी होता है ना पी फिफ्टी दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हिमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन का एफिनिटी ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा ठीक है कि तेरा जो P50 होता है दैट P50 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन का एफिनिटी इसका मतलब क्या है कि जितना एफिनिटी ज्यादा है जितना एफिनिटी ज्यादा है उतने कम ऑक्सीजन में भी हीमोग्लोबिन सैचुरेट होगा जल्दी 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 क्योंकि एफिनिटी ज्यादा है और कम से कम ऑक्सीजन में अगर वो सैचुरेट हो रहा है है ना कम से कम ऑक्सीजन में अगर वो सैचुरेट हो रहा है तो ऑब्वियसली पी क्या हो जाएगा कम हो जाएगा ठीक है सो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हिमोग्लोबिन एफिनिटी ठीक है और इसी से मतलब इसका मतलब क्या है कि कम से कम प्रेशर में अगर वो 50 परसेंट अचीव कर रहा है कम से कम पार्शियल प्रेशर में अगर वो 50 परसेंट अचीव कर रहा है तो क्या होगा कम से कम पार्शियल प्रेशर में अगर 50 परसेंट अचीव कर रहा है इसका मतलब एफिनिटी ज्यादा है एफिनिटी ज्यादा है और एफिनिटी ज्यादा कहां होगी लंग्स के पास होगी एफिनिटी ज्यादा कहां होगी बेटा लंग्स के पास होगी एफिनिटी कम कहां होगी एफिनिटी कम होगी टिश्यू के पास है ना एफिनिटी कम कहां होगी टिश्यू के पास सो so, लंग्स के पास एफिनिटी ज्यादा होती है बेटा और टिश्यू के पास एफिनिटी कम होती है तो जितना कम पार्शियल प्रेशर में वो 50 परसेंट अचीव कर रहा है जितना कम पार्शियल प्रेशर में वो 50 परसेंट अचीव कर रहा है इसका मतलब उतनी ज्यादा क्या है एफिनिटी है अगर एफिनिटी कम है तो ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड होगी है ना अगर एफिनिटी कम है तो ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड होगी फिफ्टी परसेंट सैचुरेशन के लिए तो ऑब्वियसली अगर ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा तो पी फिफ्टी भी ज्यादा बिकॉज वॉट इज पी फिफ्टी पी फिफ्टी इज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ठीक है सो इसी कंसेप्ट के बेसिस पे इसी कंसेप्ट के बेसिस पे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा हम लोग बोलते हैं द ग्राफ इज शिफ्ट टू राइट और लेफ्ट द ग्राफ इज शिफ्ट टू राइट और द ग्राफ इज शिफ्ट टू लेफ्ट

तो अगर आपको पी फिफ्टी समझ में आ गया तो इसको समझो नॉर्मली पी फिफ्टी अचीव करने के लिए या पचास प्रतिशत सैचुरेशन करने के लिए कितना चाहिए सत्ताईस से तीस चाहिए लेकिन अगर ग्राफ राइट में शिफ्ट हो रहा है तो वही पी फिफ्टी अचीव करने के लिए तीस से ज्यादा चाहिए तीस से ज्यादा चाहिए और लेफ्ट में अगर शिफ्ट हो रहा है तो वही पी फिफ्टी अचीव करने के लिए तीस से कम चाहिए इसको समझो इसको समझो अगर राइट में शिफ्ट हो रहा है तो परसेंट अचीव करने के लिए 30 से ज्यादा चाहिए और लेफ्ट में शिफ्ट हो रहा है तो पी फिफ्टी अचीव करने के लिए 30 से कम चाहिए तो अगर यहां पर 30 से ज्यादा लग रहा है पार्शियल प्रेशर 50% परसेंट अचीव करने के लिए तो यहां पर क्या हो रहा है बेटा यहां पर एफिनिटी कम है कि ज्यादा है कम है ठीक है और यहां पर एफिनिटी ज्यादा है किसकी हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन बाइंडिंग की ठीक है यहां पर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन बाइंडिंग की एफिनिटी कम है इसीलिए कम है राइट में शिफ्ट हो रहा है राइट में शिफ्ट हो रहा है तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन की बाइंडिंग एफिनिटी कम है बाइंडिंग एफिनिटी कम होने की वजह से बाइंडिंग एफिनिटी कम होने की वजह से 50 प्रतिशत सैचुरेशन के लिए 30 से ज्यादा पार्शियल प्रेशर की जरूरत है और यहां पर बाइंडिंग एफिनिटी ज्यादा है इसीलिए पचास प्रतिशत होने के लिए तीस से कम की रिक्वायरमेंट है आप लोगों को समझ में आ गया इसका मतलब राइट में शिफ्ट हो रहा है तो एफिनिटी कम है राइट में शिफ्ट हो रहा है तो एफिनिटी कम है इसका मतलब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का अगर एफिनिटी कम है तो एसोसिएशन होगा कि डिसोसिएशन करेक्ट डिसोसिएशन होगा बेटा क्या होगा डिसोसिएशन क्यों क्योंकि एफिनिटी कम है डिसोसिएशन होगा तो डिसोसिएशन के लिए कौन-कौन से फैक्टर्स रिस्पांसिबल हैं

भो इफेक्ट बोलते हैं है ना वो दूसरे पॉइंट में बढ़ते हो आप लोग है ना सो एसिडिटी ज्यादा एच प्लस ज्यादा मतलब एच प्लस ज्यादा मतलब पीएच कम उसके बाद टू थ्री डाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है ना या फिर उसको आप लोग बीपीजी भी बोलते हो डीपीजी और बीपीजी कुछ भी बोल सकते हो अगर ये बढ़ गया ठीक है या फिर अगर टेंपरेचर बढ़ गया या फिर अगर एक्सरसाइज आप लोग कर रहे हो अगर एक्सरसाइज ज्यादा कर रहे हो तो ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड अगर ज्यादा है सेल्स को तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को पकड़ के रखेगा कि छोड़ देगा छोड़ देगा ठीक है सो अगर आप लोग एक्सरसाइज ज्यादा कर रहे हो टेम्परेचर ज्यादा है टू थ्री डाय ज्यादा है एसिडिटी ज्यादा है मतलब एच प्लस ज्यादा है या पीएच कम है पीसीओ टू ज्यादा है पीओ टू कम है तो ये सारी कंडीशन है बेटा जो इसको हिमोग्लोबिन को ऑक्सीजन से क्या करती है डिसोसिएट करती है और ग्राफ राइट में शिफ्ट होता है और इसका पूरा अपोजिट कंडीशन अगर किया तो ग्राफ कहां पे शिफ्ट होगा लेफ्ट में शिफ्ट होगा सो ग्राफ लेफ्ट में शिफ्ट हो रहा है मतलब ये चीज कहां हो रही है लंग्स में इसका मतलब हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का क्या हो रहा है यहां पे एसोसिएशन हो रहा है क्यों क्योंकि एफिनिटी इधर ज्यादा है एफिनिटी ज्यादा क्यों है वो पी फिफ्टी के कंसेप्ट से मैंने समझा के दिया है आप लोग को ठीक है अब बहुत सारे बच्चे क्या बोलते हैं कि सर ये एकदम से याद नहीं होता या ये समझ में ये एग्जाम में क्लिक नहीं हो रहा है ठीक है तो इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूं बेटा सिंपल सी ट्रिक बताता हूं देखो अगर राइट में शिफ्ट हो रहा है तो आपको ये याद रखना है कैडेट सी ए डी ई टी कैडेट और कैडेट को इंक्रीज करना है खत्म इतना भी याद रखे आप लोग तो काफी आप लोग के लिए ठीक है राइट में शिफ्ट हो रहा है कैडेट सी मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है

अगर हम लोग मदर हीमोग्लोबिन की बात करते हैं तो मदर हीमोग्लोबिन की एफिनिटी ऑक्सीजन की ज्यादा होती है तो अगर हम लोग एडल्ट और मदर की बात करते हैं तो मदर का ग्राफ शिफ्ट टू लेफ्ट याद रखना ये चीज मदर और फिटस के हीमोग्लोबिन का ग्राफ अगर देखें तो वो कहा होता है बेटा दैट इज शिफ्ट टू लेफ्ट क्योंकि उसकी एफिनिटी कैसी होती है ज्यादा होती है ओके देन होप आपको यह कंसेप्ट समझ में आ गया ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व वाला ठीक है ऑक्सीजन डिसोसिएशन वाला कंसेप्ट आपको समझ में आ गया बेटा बहुत अच्छे से मैंने समझा के दिया है एकदम छोटे छोटे पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं ठीक है ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझा के दी हैं डिसोसिएशन कर्व कैसे होता है हाउ द कर्व शिफ्ट टू राइट और हाउ द कर्व शिफ्ट टू लेफ्ट ठीक है ना वो सारी पी फिफ्टी वाला कंसेप्ट ठीक है सो ये सारी चीजें आपको होप समझ में आ गई है ठीक है सिंपल वे में समझाने की कोशिश की है बेटा फाइन सो so, आज जो आपने सीखा उसको आज ही टेस्ट किया जाए इन आई आई बी पी सी बी एप रजिस्टर्ड फॉर आई आई बी पी सी बी आधार थैंक यू